तो भाई बैक टू बैक जो है एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। अभी 2-3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और ये जो है बैक टू बैक दूसरी वीडियो है। बट जो है आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए जो है जब भी कोई नया अपडेट आता है, अपडेट छोटा हो या बड़ा, मैं कोशिश करता हूँ सारे अपडेट आप सभी के साथ जो है वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ। भी जो है ताज़ा खबर निकल के आ रहा है, 3 नए लेटेस्ट अपडेट हैं आप सभी ईपीएफओ मेंबर्स के लिए, पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए। 1 बाय 1 तीनों अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या है ये 3 नए अपडेट। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पीएफ, ईपीएफ, यूएन, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित, ईपीएफओ से संबंधित सारे अपडेट जो है वीडियो के माध्यम से मिलते रहें, तो चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे आपको। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आएगा, उसको प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट जरूर कर लेना। चलिए 1 बाय 1 तीनों नए अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in, यहाँ पे अभी आ रहा है वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ईपीएफओ की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी जो है अंडर मेंटेनेंस है, वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। चलिए दोस्तों अब ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का पोर्टल है उसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने गूगल के सर्च बार में सर्च कर लिया है, बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो यहाँ पर देखिए आ गया है epfigms.gov.in, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करते ही यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अभी जो ये अंडर मेंटेनेंस है, epfigms वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, विल नॉट बी अवेलेबल बिटवीन 26/6/2021, यानी कि 26 जून 2021 सुबह 10 बजे से लेकर 27/6/2021, यानी कि 27 जून 2021 तक शाम को 5 बजे तक जो है इस पर काम चल रहा है मेंटेनेंस का। तो ये जो है 5 बजे के बाद जो है वेबसाइट लाइव हो जाएगी एज पर द ईपीएफओ मैसेज, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो लिखा आ रहा है। और यहाँ पर भी ईपीएफओ की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये भी जो है अंडर मेंटेनेंस है, देख सकते हो वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पर भी आपको जो है अलर्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ पर एरर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है, अब मैं कर लेता हूँ साइन इन। और साइन इन करने के बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया, इसको लेटर कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए मैनेज का ऑप्शन है और मैनेज के ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं उसके बाद बेसिक डिटेल्स, जब हम अपनी बेसिक डिटेल को जो है करेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी जो है एक रेड कलर में एरर मैसेज अभी देखने को मिल रहा है। देखिए इनवैलिड मॉड्यूल रेफरेंस, नो डेटा फाउंड। तो यहाँ पर ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसमें ये जो बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन है यहाँ पर भी आपको जो है एरर मैसेज देखने को मिल रहा है, यानी कि बोल सकते हैं अभी जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो यहाँ पर भी जो है एरर मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर ईपीएफओ की वेबसाइट भी जो है अंडर मेंटेनेंस है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का पोर्टल है ये भी जो है अंडर मेंटेनेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हो 26/6/2021 से सुबह 10 बजे से लेकर और यहाँ पर 27/6/2021 शाम को 5 बजे तक जो है ये अंडर मेंटेनेंस रहेगा। तो भाई ये 3 नए अपडेट हैं आप सभी ईपीएफओ मेंबर्स के लिए। अगर आपका पीएफ अकाउंट है या फिर आप ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आप सभी के लिए ये नए अपडेट हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट और ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का जो पोर्टल है वो भी जो है अंडर मेंटेनेंस है और वो 27 जून शाम को 5 बजे तक रहेगा, जैसा कि ईपीएफओ ने जो है लिख दिया है, मैसेज दे दिया है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी बेसिक डिटेल जो है करेक्शन करना चाहेंगे ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है यहाँ पर भी आपको जो है जैसा कि मैंने आपको दिखाया एरर मैसेज अभी आ रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी अगर आप अपना एडवांस में पीएफ का पैसा या फिर पूरा पीएफ का पैसा या फिर पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी काम करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करने जा रहे हैं तो अभी जो है 2 दिन रुक जाओ। ऐसा ना हो कि आप जो है रिक्वेस्ट सबमिट कर दें और वो ईपीएफओ के पास ही ना पूछें, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है अंडर मेंटेनेंस चल रही हैं। तो अभी 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद ही जो है आप अपना पीएफ, ईपीएफ से संबंधित, यूएन से संबंधित जो है काम कर लेना। बाकी जब भी ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था जो मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे से अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हो तो हो सके तो मेरे जो ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है @iPradeepSharma मेरे को फॉलो भी कर लेना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।